सही जानकारी प्राप्त करने हेतु चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब ये जानने वाले हैं कि किस तरीके से BSNL सिम कार्ड का टेली वेरिफिकेशन यहाँ पर होता है। इसके लिए दोस्तों आपको अपना जो भी स्मार्टफोन है वो ले लेना है, साथ में जो भी आपका आधार कार्ड है वो ले लेना है, जिससे कि टेली वेरिफिकेशन करते समय, देखिए टेली वेरिफिकेशन करते समय जब डिटेल पूछा जाए तो आधार कार्ड से आप बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको दे पाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सब कुछ ले लिया है, देख लीजिए, ये हमने फ़ोन ले लिया है और सिम कार्ड ले लिया है। चलिए सबसे पहले जो सिम कार्ड है वो हम लोग फ़ोन में लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने सभी प्रोसेस करने वाले हैं। मैंने देखा काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी इस BSNL के सिम कार्ड का टेली वेरिफिकेशन डन करने के लिए, तो ये हमने सिम कार्ड जस्ट निकाल लिया है और जो सिम कार्ड है बस ऐसे ही आता है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमने सिम कार्ड निकाल लिया है और जस्ट हम इसको सिम ट्रे में यहाँ पर लगा दे रहे हैं। ठीक है, आपके सामने सब कुछ हम प्रोसेस करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम इसको ट्रे में लगा करके जस्ट यहाँ पर सिंपल सा, बहुत ही इजी सा लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फ़ोन में इसको लगा दिया है। फ़ोन में लगाने के बाद दोस्तों एक देखिए प्रोसेस होता है, या तो आप अपना जो भी स्मार्टफोन है उसको बंद करके चालू कर लीजिए, पहला सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, या तो फिर उस नेटवर्क सर्च करिए, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा सबसे पहले आपका जो भी स्मार्टफोन है उसका जो भी पावर है वो ऑफ कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम इसका पावर ऑफ कर दे रहे हैं और पावर ऑफ करने के बाद इसको हम लोग चालू करते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, जस्ट ये देखिए हम पावर ऑफ कर दे रहे हैं, फिर बताते हैं कैसे टेली वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों हमारा जो स्मार्टफोन है वो चालू हो चुका है। चलिए चेक करते हैं जो नेटवर्क है BSNL का आया हुआ है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इंटरनेट का देखिए किस तरीके से ऑप्शन आया है। यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखेंगे तो टावर जो है बना हुआ है। दोस्तों अगर मोबाइल ऑन होने के बाद भी आपको नेटवर्क यहाँ पर शो अगर नहीं होता है BSNL का, तो यहाँ पर सिंपल सा आपको सेटिंग में फिर चले जाना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सिंपल सा सर्च कर लेना है नेटवर्क, उसके बाद में एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मोबाइल नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑन है, यानी कि नेटवर्क ऑटोमेटिकली अभी सिलेक्ट कर रहा है और इसको आपको फिर बंद कर देना होगा। ठीक है, अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो उसके बाद में एक नीचे पॉपअप भी निकल के आता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हम नेक्स्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब ओके कर दे रहे हैं। उसके बाद में ये नेटवर्क सर्च करेगा, उसके बाद में ये नेटवर्क जो भी है वो सर्च करके आपके सामने ला देगा। यहाँ पर देख लीजिए सभी नेटवर्क आ गए हैं, एयरटेल, जियो, VI सभी आ गए हैं। तो ये जो सिम है VI मतलब BSNL का है, तो इसके लिए आपको BSNL पर टिक कर देना है और उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए जैसे आप टिक करेंगे ये नीचे एक छोटा सा पॉपअप निकल के आ जाता है रजिस्टर्ड। ठीक है, तो इससे आपका अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो नेटवर्क आ जाएगा। तो चलिए एक बार हम लोग ट्राई करते हैं जो भी BSNL का जो नंबर दिया गया है, ठीक है, जिससे टेली वेरिफिकेशन होता है, एक बार ट्राई करते हैं, देखिए क्या प्रॉब्लम आता है, क्या चीज़ें होती हैं आपके सामने। देखिए हम यहाँ पर कॉलर पैड में आ गए हैं और यहाँ पर BSNL की तरफ से बोला जाता है कि यहाँ पर आपको 1507 पर कॉल करना है। ठीक है, टेली वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, यहाँ पर हम 1507 लिख करके देख लीजिए हमारे स्मार्टफोन में 1507 लिख करके सेम उसी नंबर से BSNL के नंबर से आपको कॉल कर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। This call is now being recorded. Welcome to BSNL चालू हो गया है। हिंदी में जानकारी के लिए एक डायल करें। तो हिंदी में in English, press 2. तो हिंदी के लिए एक दबा दिए हैं। प्रिय ग्राहक, हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी के माध्यम से टेली वेरिफिकेशन करने के लिए कृपया एक दबाएं। OTP के माध्यम से टेली वेरिफिकेशन करने के लिए कृपया 2 दबाएं। तो यहाँ पर 2 प्रोसेस है टेली वेरिफिकेशन करने का। पहला है ग्राहक जो भी BSNL के कस्टमर केयर है उनसे बात करके कर लीजिए, या फिर आपका जो भी अल्टरनेटिव नंबर है उस पर मैसेज आता है, 2 दबाएंगे तो उसके बाद में मैसेज आ जाएगा, वही आपको डालना है। ठीक है, जो भी करना है आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। चलिए हम 1 डाल देते हैं, कस्टमर केयर से बात करके कर लेते हैं। आपको भी प्रिफर करेंगे यही काम करिएगा। हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी को ट्रांसफर किया, ग्राहक सेवा अधिकारी को ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने अपना आधार कार्ड लिए रहिएगा ध्यान से। ठीक है, हम भी लिए हुए हैं, जिस भी आधार कार्ड से आपने ओपन करवाया है, जिस भी आईडी से। नमस्कार, BSNL के टेली वेरिफिकेशन सेवा में आपका स्वागत है, मैं आज आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जी सर नमस्कार, मेरा टेली वेरिफिकेशन करना है इस नंबर का। जी सर, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ आप अपना नंबर टेली वेरिफिकेशन कराना चाह रहे हैं। यस सर, जी निश्चिंत रहेगा, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। लाइन पे रहेगा, जानकारी चेक की जा रही है। ठीक सर, चेक कर लीजिए। तो
लाइन पे रहने के लिए आपका धन्यवाद सर। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ से तो आपके नंबर की सेवाएं शुरू कर दी गई है सर। अच्छा कोई टेली वेरिफिकेशन चालू है? फोन से सिम निकाल के फिर से डालिएगा फोन। अच्छा मेरा टेली वेरिफिकेशन डन हो चुका है जी सर। अच्छा अच्छा तो यहाँ पर हमने तो कुछ बताया नहीं, ओटीपी तो डाला नहीं सर, हो गया है यहाँ से तो सेवाएं शुरू है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक जी सर। बीएसएनएल में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। ठीक है थैंक यू सर जी सर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कल शाम को ये जो सिम कार्ड है ओपन करवाया था, तो और मैंने आज लगभग 12 घंटे बाद में ये वीडियो शूट करने के लिए मैं सोचा वीडियो शूट करूँगा उसी टाइम आपको बना करके बता दूंगा, बट यहाँ पर क्या हुआ कि ऑटोमेटिक ही टेली वेरिफिकेशन डन हो गया। तो वैसे पे भी यही सेम प्रोसेस है, आपको कॉल करना है, ये उठाएंगे, उसके बाद में आपसे पूछेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा, लास्ट का चार डिजिट जो भी आधार कार्ड में है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। साथ में आपको पता भी पूछ लेते हैं कभी कभी भाई कहाँ आपका मतलब घर है, जो भी पता इसमें एड्रेस डाला गया है आपके आधार कार्ड में वही जस्ट आपसे आपको बताना है, उसके बाद में वो कर देंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे देखिए मेरे साथ हुआ, ऑटोमेटिक ही टेली वेरिफिकेशन डन हो गया। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मेरा नहीं हो पा रहा है, ओटीपी नहीं जा पा रहा है, ये सब हो रहा है, तो देखिए 12 घंटे बाद ऑटोमेटिकली ही देखिए हमारा हो गया। बाद में बारी ये आती है कि भाई आप क्या करिए कि अगर इसमें रिचार्ज जो भी कस्टमर जहाँ से अभी आपने ओपन करवाया है अगर उसने रिचार्ज कर दिया है तो आप इसको लेकर के अब यूज कर सकते हैं सिम कार्ड। अगर रिचार्ज नहीं किया है, ठीक है, उस पर्सन ने जहाँ से आपने ओपन करवाया है, तो आपको सिंपल सा उसको उनको कॉल करके बोलना होगा कि भाई मेरा जो सिम है मैंने टेली वेरिफिकेशन डन कर लिया है, आप प्लीज़ रिचार्ज कर दीजिए, तो वो फिर रिचार्ज कर देंगे, यानी कि जो फर्स्ट रिचार्ज होता है वो उनकी तरफ से हो जाएगा, जो भी आपने आपका उन्होंने बताया होगा भाई 100 रुपये में ये चीज़ें मिलेंगी, उसके बाद रिचार्ज होने के बाद आप उस सिम का आनंद लीजिए, जैसा भी सर्विस रहेगा आप उसको यूज करिए, ठीक है। दोस्तों इसके साथ ही इस पर एक आपको नंबर भी मिल जाता है 1880-1503 जिस पर आप कॉल करके किसी भी नेटवर्क इशू या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गया जो कि बीएसएनएल से संबंध में आपको आ रही है वो आप कंप्लेन कर सकते हैं और उसका आप निराकरण यानी कि समाधान वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि जियो बी आई इन सब में 1900 है तो इसका 1503 या फिर आप 1880-1503 आपको कॉल करना होगा, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम होगा नेटवर्क इशू जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपको सॉल्व कर देंगे। तो आई होप आपको सभी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट और कमाल की वीडियो के साथ। We'll be right back.